हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रयास चैनल। आज हम बात करेंगे सुपर फूड के बारे में। जी हाँ, इसे सुपर फूड कहा जाता है और मैं बात कर रही हूँ चिया सीड्स की, चिया बीज, जिन्हें गुजराती में तकमरिया भी कहा जाता है। तो ये चिया का जो पौधा है वो टकसाल यानी कि मिंट परिवार से बिलोंग करता है। ये मिंट परिवार की प्रजाति है जो मध्य अमेरिका में मूल रूप से पाई जाती है। इसे चिया बीज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम देखें वहीं चिया सीड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। लोग इसका बहुत ही उपयोग करते हैं। इसे आप दूध में, स्मूदी में, खाने में, सैलेड में, अलग अलग प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी इसे बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त हुई है वे उसकी गुणों की वजह से। इसमें एक गिलास दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम और एक अखरोट से भी ज़्यादा ओमेगा 3 और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी कि इससे आपको अच्छे खासे पोषक तत्व मिल जाते हैं। आज हम देखते हैं कि वजन घटाने के लिए इसका उपयोग बहुत ही किया जाता है, क्योंकि इनमें वसा को अवशोषित करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। आपके शरीर में ये पानी की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये वजन घटाने में सहायक होते हैं। चिया बीज का पौधा प्रोटीन का बहुत ही बड़ा स्रोत है, जिसमें 4.7 ग्राम प्रोटीन प्रति औंस होता है। इनमें अन्य पौधों की तुलना में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें सभी 8 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। चिया बीज जो होते हैं वे एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि अच्छा खासा इसमें एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत होता है, जो हमारे शरीर में हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको इसे खाने के लिए पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें प्रोटीन और मैंगनीज, फॉस्फरस, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और कई सारे तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और वजन घटाने में भी सहायक होते हैं, और इन पोषक तत्वों की वजह से हमें भूख नहीं लगती। चिया सीड्स ऊर्जा बढ़ाने में भी लाभदायी होते हैं। यह योद्धाओं और खिलाड़ियों को ऊर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो चिया सीड्स वो सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुरंत हमें शक्ति प्रदान करता है। चिया सीड्स को अगर 10 मिनट पानी में रखा जाए तो ये 10 गुना फूल जाते हैं और जेल के रूप में पेय तैयार हो जाता है। इसे पीने से शरीर में शक्ति का संचार होता है। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ है। ये शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करता है, यानी कि ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। बस थोड़े से ही चिया बीज से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। चिया बीज उपयोग में बहुत ही सरल होता है। इसका कोई गहरा स्वाद नहीं होता, इसलिए किसी भी व्यंजनों में ये आसानी से मिलाया जा सकता है। आप इसे खाद्य पदार्थ में, स्मूदी में और दूध में और भी कई प्रकार से इसे उपयोग में ले सकते हैं। आगे हमने देखा कि ये इंसुलिन लेवल को कम करता है, यानी कि बैलेंस करता है। तो इससे हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होने से रोका जा सकता है और शुगर की समस्या से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चिया बीज हृदय रोग में भी लाभकारी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त वसा या सूजन को कम करने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर वाले दर्दी को फ़ायदा होता है।
इस तरह से ये हार्ट अटैक से भी बचाता है। चिया बीज कैंसर को रोकने में भी मदद करते हैं, क्योंकि 2013 में एक शोध हुई थी, एक अध्ययन हुआ था, उससे पता चला कि इसमें AL नामक एक प्रकार का जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, AAL नामक जो होता है वो फैटी एसिड की वजह से ये स्तन और ग्रीवा के कैंसरों में जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उनकी वृद्धि को रोकने में ये सफल रहा है। और इसका दूसरा फायदा है कि ये स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान किए बिना कैंसर के कीटाणुओं को खत्म करता है। ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये पोषक तत्व से भी भरपूर होते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को इन्हें अपने खाने में अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे आपको पोषक तत्व और जरूरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे माँ और बच्चे के विकास में लाभदायी होता है। चिया सीड्स में 177 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें और भी कई सारे तत्व मौजूद होते हैं, विटामिन ए और फॉस्फरस भी होते हैं। ये सारे तत्व हमारे दांत को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से चिया सीड्स के देखिए अपने बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो इसे अपने खाने में अवश्य शामिल करना ही चाहिए। वैसे इसके नुकसान तो बहुत ही कम है, लेकिन कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इसमें AAL नामक फैटी एसिड है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप इसका अच्छे से सेवन करें, नॉर्मल जो मॉडरेशन में हम जो सेवन करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें अधिक फाइबर होने की वजह से पेट में दर्द या कुछ पेट में समस्या हो सकती है, लेकिन आपको इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का हमें अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, चिया सीड ये एक सुपर फूड है, और कुछ बातों का ध्यान रखें आप अपनी अच्छी सेहत बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी लाभदायी रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।